Alif Lai La Alif Lai. Look. अरे वाह, ये भी सोने की हो गई। अगर ये तिलिस्मी परिंदा है तो ये राज मेरा जादूगर भाई जिब्रान ही अपने तिलिस्मी जादूगरी के जोर से मालूम कर सकता है। मुझे जिब्रान को फौरन खत लिखना होगा। पारस, पारस की तासीर वाला अंडा हो न हो वो परिंदा मुर्गे सादत होगा, जिसको पकाकर खाने से आदमी को हुकूमत और दौलत दोनों मिल जाती है। वाह मेरी बहन वाह, तूने अच्छा किया जो मुझे फौरन इत्तला कर दिया। बड़े खुश दिखाई दे रहे हो आका। तुम नहीं जानते तिलिस्मी परिंदे, मुझे मुर्गे सादत मिल गया है। इसमें हंसने की क्या बात है उल्लू के बेटे? उल्लू तो बेवकूफ होता है, वो मैं नहीं तुम हो। इसलिए कि तुमने बिना देखे बिना परखे एक नादान औरत पर यकीन कर लिया। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या वो परिंदा मुर्गे सादत नहीं है? ये मैंने कब कहा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक नादान औरत की बात का एतबार आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। तो फिर ऐसे अजीब परिंदे की परख कैसे होगी? एक तिलिस्मी परिंदे को तिलिस्मी परिंदे से बेहतर कौन समझ सकता है? तुम तो वाकई अक्लमंद हो मेरे बंदे। मियां आदाब अर्ज है। आदाब अर्ज नहीं, खुदा हाफिज बोल, खुदा हाफिज। जाओ, जाकर जमीला के घर जाकर उस सुर्ख परिंदे की असलियत और हकीकत का पता लगाकर मुझे बताओ। अच्छा, तो खुदा हाफिज। अरे ये तोता कहाँ से आ गया? ऐसा तोता तो जादूगर मामू के पास था। अरे ये तो हंसता भी है। मैं बोलता भी हूँ। कहीं ये जादूगर मामू का तोता ही तो नहीं? तुम ठीक समझे, मैं वही तोता हूँ। मारी गए, क्या जादूगर मामू भी साथ में आए हैं? नहीं, मैंने उनका साथ छोड़ दिया है। क्यों? जादूगर मुझे पसंद नहीं, बहुत जालिम आदमी है। हाँ ये तो है, हम भी उनके जुल्म से बहुत डरते हैं। मगर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे मामू से छुपने के लिए। वो सब जगह ढूंढेगा, अपनी बहन के घर में ढूंढने का ख्याल उसे आएगा भी नहीं। तुम मुझे भी अपने इस कमरे में छुपा लो, मैं इस परिंदे के साथ रहूंगा। नहीं नहीं, यहाँ नहीं। मैं तिलिस्मी परिंदा हूँ, परिंदे के साथ नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? फिर इस अकेले परिंदे को साथी भी मिल जाएगा और तुम्हें एक अनोखा दोस्त। अगर तुम्हें मेरी दोस्ती नहीं मंजूर तो मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ रह सकते हो। शुक्रिया। मगर यहाँ की कोई बात, कोई राज किसी से नहीं बताओ। राजदारी ही दोस्ती का फर्ज है। शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश। मगर यहाँ तो राज रखने वाली कोई बात ही नहीं। जहाँ तक इस परिंदे का सवाल है, इसे तो घर में सभी लोगों ने देखा होगा। तुम नहीं जानते, ये परिंदा भी तुम्हारी तरह तिलिस्मी है। क्या ये भी मेरी तरह बोलता है? नहीं, मगर अंडा देता है। वो तो सभी परिंदे देते हैं, इसमें कौन सी राज की बात है? नहीं, ये जो अंडा देता है वो तिलिस्मी होता है। अगर वो किसी धातु के बर्तन से छू जाए तो वो धातु सोने में बदल जाता है। कहीं तो मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? नहीं, ये देखो। अरे वाह, ये तो पहले से ही सोने की थाली है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद ही लो, देख लो। इस तिलिस्मी परिंदे का अंडा देने का वक्त हो रहा है। अच्छा,
अब आया ना यकीन? बिल्कुल आ गया, ये परिंदा मुर्गे सादत है। मुर्गे सादत? वो क्या होता है? वो परिंदा जो किसी को दौलतमंद बना दे, किसी की तकदीर चमका दे। हाँ ये तो है, ये परिंदा हमारी तकदीर जरूर चमका देगा। अच्छा मैं नदी पर पानी पीकर आता हूँ। मेरे बंदे, मेरे परिंदे, क्या खबर लाए हो? आका आका, वो परिंदा मुर्गा सादत ही है। मैंने उसके अंडे की तासीर देखी है, जिस बर्तन से छू जाता है वो सोने का बन जाता है। तो जमीला की बात आखिर सच ही निकली? आका आका, तुम एक अंडा हासिल कर लो, तुम्हारे सामने सोने का ढेर लग जाएगा, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। बेवकूफ परिंदे, मुर्गे सादत का अंडा सिर्फ सोना देता है, और खुद मुर्गे सादत हुकूमत और दौलत दोनों से सरफरोश करता है। मैं समझा नहीं आका, तुम कहना क्या चाहते हो? तेरी छोटी सी खोपड़ी में समझ भी छोटी है नादान। मुर्गे सादत के कब्जे में दो जिन्न हैं, एक का नाम दौलत है और दूसरे का नाम रियासत है। दौलत तो ठीक है, ये रियासत क्या चीज है मेरे आका? ना समझ ना धान परिंदे, रियासत का मतलब होता है हुकूमत। आका तुम तो उस दरख्त पर अमल करके जिन्नातों की शहंशाह को काबू में करना चाहते थे, ताकि सारी दुनिया पर उस जिन्नात की ताकत से हुकूमत करो। आप मुर्गे सादत की जिनों को अपने जादू के जोर से काबू करके दुनिया का बादशाह बनने का ख्वाब पूरा क्यों नहीं करते? मुझे वो तिलिस्मी जादू नहीं मालूम जिससे मुर्गे सादत के जिनों को काबू में किया जाता है। एक बात कहूँ आका? बोले परिंदे। पूरे चांद की रात को अगर जादुई अमल करोगे तो किसी भी जिन की तलब कर सकते हो। मुर्गे सादत की जिनों को भी तलब करके तुम उनसे ये राज मालूम कर सकते हो। वाह मेरे बंदे, वाह मेरे परिंदे, तूने क्या अक्ल की बात समझाई है। कल रात पूरे चांद की रात है, कल ही मैं अमल करके मुर्गे सादत के दोनों जिनों को यहाँ तलब करूंगा। मेरे सामरी, अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से, अपनी कुवत से फौरन मुर्गे सादत के दोनों जिनों को हाजिर होने का हुक्म दे। उन्हें जाहिर कर, उन्हें हाजिर कर। ऐ साहिरे जिब्रान, सामरी के हुक्म से हम तुम्हारी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बता तू हमसे क्या चाहता है? पहले तुम दोनों अपना अपना तारुफ पेश करो। मेरा नाम रियासत है, जिन्नाते रियासत। जो मुझे कब्जे में करेगा मैं उसे हुकूमत दूंगा, सल्तनत दूंगा और उसके सर पर ताज रखूंगा।
और मेरा नाम दौलत है, जिन्नाते दौलत। जो मुझे कब्जे में करेगा मैं उसे दौलत दूंगा और हर रोज दूंगा। मगर तुम दोनों मेरे कब्जे में कैसे आओगे? ये बात तुम्हें हम हरगिज नहीं बताते। मगर सामरी ने हमें तुम्हारी खिदमत में हाजिर किया है, इसलिए हम तुम्हें बताने पर मजबूर हैं। तो जल्दी बताओ, बताओ, बताओ। जब तक मुल्क सआदत जिंदा है तुम्हें तो क्या किसी को भी सआदत नहीं मिलेगी। कौन सी सआदत? हुकूमत और दौलत की सआदत। तो क्या मुर्गे सआदत को मार देने से तुम दोनों मेरे कब्जे में आओगे? नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर जो आदमजाद उस मुर्ग को हलाल करने के बाद उसका दायां हिस्सा खाएगा, मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा और हर रात उसके तकिए के नीचे 1000 अशर्फिया रख दूंगा। खास सोने की बनी हुई अशर्फिया। और जो मुर्गे सआदत का बाया हिस्सा खाएगा मैं उसे मुल्क और हुकूमत दूंगा और उसको बादशाह बना दूंगा। मैं मुर्गे सआदत को खा जाऊंगा, पूरा का पूरा खा जाऊंगा। मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं बादशाह बन जाऊंगा। अच्छा है साहिरे जिब्रान, हमें इजाजत दे। तुम लोग जा सकते हो। अब मुझे बादशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे आका, ये वक्त खुश होने का नहीं है, उस मुर्गे सआदत को हलाल करने का है। उस मुर्गे सआदत को खाने से मुझे कौन रोक सकता है? तुम्हारी बहन जमीला मेरे आका। नहीं नहीं जिब्रान, ये क्या कह रहे हो? आखिर उस नायाब परिंदे को मारने से क्या हासिल होगा? 1000 अशर्फियां देकर लाए थे वो। तुम नहीं जानती जमीला, वो परिंदा सिर्फ नायाब ही नहीं, एक तिलिस्मी परिंदा भी है। जो उसे खाएगा उसे दौलत, हुकूमत और सल्तनत मिलेगी। मगर जब उन्हें ये मालूम होगा कि मैंने उस परिंदे को जबा कर दिया है तो मुझे कभी नहीं बख्शेंगे। बख्शूंगा तो मैं कासिम को नहीं, तुम्हारे शौहर ने उस दरख्त को काट कर मेरी 30 बरस की मेहनत पर पानी फेर दिया था। मेरे हाथ से जिन्नातों के शहंशाह के जरिए आने वाली सल्तनत, दौलत और हुकूमत सब निकल गई। अब उसी के लाए हुए मुर्गे सआदत के जरिए मुझे मेरा हक मिल जाएगा। और तुम हो कि मेरी बहन होकर मेरा साथ नहीं देना चाहती हो। मगर उन्हें कैसे समझाऊंगी? वो पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगी कि वो नया परिंदा कहाँ गया? अव्वल तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जानबूझकर उस वक्त यहाँ आया हूँ जब ना तो यहाँ कासिम है और ना ही जलाल और बिलाल। मगर बच्चे तो कभी भी अंदर आ सकते हैं, वो बाहर मोहल्ले में ही खेल रहे हैं। अगर बच्चों ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो तुम भी शक करेंगे जिब्रान। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तुम मुर्गे सआदत को जबा करके उसे पका कर दस्तरखान पर लगा दो, मैं आकर उसे खाऊंगा। मगर बाद में मैं उन्हें क्या जवाब दूं? बच्चों पर ही इल्जाम लगा देना, कहना कि पिंजरा खुला होगा इसलिए नायाब परिंदा उड़ गया होगा। हाँ ये ठीक है। तो फिर सारा ये काम कासिम के आने से पहले हो जाना चाहिए। हाँ हाँ मैं जरूर जाऊंगी, मुर्गे को पिंजरे से निकालूंगी और काट दूंगी अपने भाई के लिए।
मुर्गा सादत तो जबा हो गया और पक्के तैयार भी हो गया, मगर खाने वाले का कहीं पता नहीं। जाने क्यों जिब्रान को इतनी देर लग गई? अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं कि मुर्गे सादत को जबा करते हुए इसका खून मेरे कपड़ों पे लगा हुआ है। जलाल के अब्बा को तो शक हो सकता है मुझ पे। इस लिबास को मुझे फौरन तब्दील करना होगा। आज तो खेल में बड़ा मजा आया, लेकिन थक भी तो गए। तभी तो भूख बहुत जोर से लगी है। अरे वाह, अम्मी जान ने तो खाना भी लगा दिया है। अरे वाह, आज तो मुर्गा पका है। चलो हम पहले मुर्गा ही खाते हैं। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। हम बला नहीं है, हम जिन्नात हैं। तुम्हारे गुलाम हो गए हैं। ऐ आका जलाल, आपके इस गुलाम का नाम जिने दौलत है। आप हुक्म कीजिए, मैं हर रात आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। आका बिलाल, आपके इस गुलाम का नाम जिने रियासत है। आप हुक्म कीजिए, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ मुझे भी, हमें आपसे डर लगता है। गुलामों से डर क्या, गुलाम तो आका से डरते हैं। हमें हुक्म दो आका। खुदा रा, हमें हुक्म दो आका। हमें हुक्म दो आका, हमें हुक्म दो आका। हमें हुक्म दो आका, हुक्म दो आका। खुदारा हमें हुक्म दो आका। आका मुझे हुक्म दो आका। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। जो हुक्म मेरे आका।